उसकी वजह से जो निकले हैं कांग्रेस पार्टी जो निकली है लोगों का इश्यू उठा के, मुझे नहीं लगता है 24 में कोई हमें रोक लेगा, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं लगता है कोई रोक पाएगा। अरे हमारी तो राज एक था, हम तो चाहते हैं कि पूरा एक रहे। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा, टुकड़ों में तो हमने कभी बात नहीं कही, हम तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक समझते थे। लेकिन जो सरकार प्रेजेंट है उन्होंने जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया, खाली टुकड़ों में बांटा और परेशानी और मुसीबतों के बगैर कुछ नहीं दिया। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा दिया। नहीं आता है, ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। पहले कहा कि ये महंगी टी शर्ट है, फिर कहा टी शर्ट चेंज ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये टी शर्ट है। इसमें आप खुद ही देख रहे हैं राहुल गांधी जी, उस आप कितना भी थर्मल लगाओगे, आप मुझे ही देखो, ये भी लगा है, ये भी लगा है, धुंध है, इतनी ठंड है। वो तो उसी की हिम्मत है कि बाजू नंगी है, टी शर्ट पहन के चल रहा है। अगर आप थर्मल भी लगाओ, मुझे तो नहीं लगता है उसके अंदर कोई थर्मल है भी नहीं, लगाओगे भी फिर भी देखो कितनी ठंड है। उसकी राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो ये तो आपको देखना। जितनी भी सेकुलर पार्टियां जो बीजेपी के साथ लिंक्ड नहीं है, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी की ए बी सी टीम है, उनके बगैर लगभग सारी पार्टियां कांग्रेस की बाहर जोड़ो यात्रा में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, एनजीओस भी, स्पोर्ट्स वाले भी, आर्मी रिटायर्ड भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनका ऑफर हमें आया है, 90 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो राहुल जी की पद यात्रा में चलेंगे जम्मू। देखिए देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो सारी रैली है, लेकिन उसमें 3 इवेंट्स हो रहे हैं। एक लखनपुर में जो फ्लैग टेकिंग सेरेमनी होगा, जहां पे हम पंजाब से लेके फिर चलना शुरू करेंगे जम्मू की तरफ, उसके बाद एक जम्मू में रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी, और उसके बाद एक लास्ट रैली कश्मीर का, मैंने इसलिए कहा वो एंड है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वहां पे इख्तिताम पजीर होगी, और वो एंडिंग कंक्लूडिंग स्पीच होगी राहुल गांधी जी की, इसलिए मैंने कश्मीर का अब नाम लिया। मगर जम्मू में भी एक वहां रैली हो रही है, बड़ी रैली हो रही है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं जम्मू के लोगों से वो भी उसमें शरीक हो जाए। ये नाम पे सीएम नहीं होता है, सीएम होता है, आपने हिमाचल में देखा 5 साल एक गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो चेंज हो गया, दूसरी गवर्नमेंट आई, हमारी गवर्नमेंट आई। आप मुझे बताओ 2014 में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, स्टेट में भी दिया, सेंटर में भी दिया, उसके बाद उनको बताओ आपकी उपलब्धि क्या है, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो जो आपने बोला था जम्मू को अमेरिका हम बनाएंगे, कहाँ है वो रोजगार जो आपने लोगों को बोला था हम रोजगार देंगे, कहाँ है वो महंगाई खत्म करने की कहानियां, कहाँ है वो जो आपने अच्छे दिन बोले थे, 15-15 लाख अकाउंटों में बोले थे, और आपने जो लोगों को नौजवानों को ये कहा था कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं हम फेयर सिलेक्शन करेंगे, वहां तो घोटाले निकल रहे हैं। तो मुझे बताओ एक पार्टी को आप 9 साल दे रहे हैं, 9वां साल चढ़ा 2014 के बाद, जब 9 साल के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड मांगोगे वो 0 है, और वो ये कह रहे हैं कि अब हमको गवर्नमेंट दे दो, हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे, रेबर खेल को पक्का करेंगे, एनआरएचएम को पक्का करेंगे, बेकारों को पक्का करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। 9 साल हुकूमत करने के बाद भी वो नया मैनिफेस्टो हमारे सामने अब रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है, अगर लोगों ने 9 साल उनको दिए, उनको पहले पूछे लोग 9 सालों में तुमने क्या किया, तो नए 9 साल हम कैसे दें उनको या 5 साल, नए 5 साल इंशाल्लाह कांग्रेस के होंगे। देखिए जो हमें पॉजिटिव लगे भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिन्होंने हमको बोला कि हम भारत जोड़ो यात्रा में चलने में इंटरेस्ट है, उनसे हमने बात की, अभी तक ऑफिशियली इन्विटेशन किसी को गया नहीं है, जो आना चाहेगा सेकुलर, क्योंकि जो आदमी खुली नफरत में इन्वॉल्व हो वो कैसे चलेगा भारत जोड़ो यात्रा में, वो तो होने वाला प्रोग्राम का एंड गेम चल रहा है। उसने मुझे लग रहा है आजाद साहब एक बड़े लीडर थे, दो बदमाश लोगों ने उसको पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया, वो आपको पता ही है, कुछ फ्रॉड है जिनके FIR हम अभी जल्दी निकाल रहे हैं, लोगों से पैसे वैसे खा के आजकल उनके चमचे बने हैं, उन्होंने उसको मजबूर किया पार्टी बनाने के लिए। लेकिन जो स्टेचर उसको कांग्रेस में था, एक नेशनल लीडर था, वो अब लगभग कहीं ना कहीं वो गवा गए हैं, और पहले उन्होंने कहा था मैं नेशनल पार्टी बना रहा हूँ, अब तो फिर रीजनल पे पहुंचे, अब मुझे नहीं लगता है वो डिस्ट्रिक्ट की भी पार्टी रही है। लीडर हमारे गए थे वो वापस आ गए हैं,
थोड़े से बचे हैं वो भी जल्दी वापस। हिमाचल हमने जीता और गुजरात में सेकुलर वोट बढ़ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम। थैंक यू बहुत।